नमस्कार जी, मेरा नाम है मीनू। बताने जा रही हूँ, आपकी राशि पर चल रही है शनि की महादशा, तो शनिवार को ऐसे करें अचूक उपाय। शनि देव को कर्म प्रधान देवता माना गया है। शनि देव मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। शनि देव को सूर्य का पुत्र कहा जाता है। शनि देव को लेकर लोगों के बीच कई धारणाएँ बनी हुई हैं। लोग शनि देव को नकारात्मक तरीके से देखते हैं। आम तौर पर अवधारणा है कि शनि देव लोगों की बुरा करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। शनि देव की पूजा अर्चना करने से जीवन की कठिनाइयां दूर होती हैं। विशेष तौर पर शनिवार के दिन शनि देव की पूजा की जाए तो कई तरह की समस्याओं का समाधान होता है। शनिवार के दिन पूजा का है विशेष महत्व। शनिवार का दिन शनि देव की पूजा के लिए खास माना जाता है। शनि देव के अशुभ प्रभाव को कम करने व उनकी कृपा पाने के लिए विभिन्न प्रकार के पूजन किए जाते हैं। शनिवार को कौन सा कार्य करना चाहिए व कौन सा नहीं, इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, जिससे अनजाने में भी शनि देव का कोई प्रभाव ना पड़े। शनिवार को ये ना करें, शनिवार को घर में तेल खरीद कर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से शनि देव का कुप्रभाव घर परिवार पर पड़ता है। शनिवार के दिन लोहे की कोई वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। किसी भी काली वस्तु का दान नहीं करना चाहिए। शनिवार को शरीर पर सरसों का तेल नहीं लगाना चाहिए। ऐसे करें शनि देव की पूजा। शनि देव की कृपा पाने के लिए हर शनिवार को शनि देव पर तेल चढ़ाना चाहिए। हर शनिवार मंदिर में शनि देव की मूर्ति पर काले तिल का तेल चढ़ाएं। तिल तेल और छाया पात्र शनि देव को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं। इन चीज़ों का दान शनि की शांति का प्रमुख उपाय है। मानता है कि ये दान शनि देव द्वारा दिए जाने वाले कष्टों से निजात दिलाता है। ऐसे करें छाया पात्र का दान। छाया पात्र दान की विधि बहुत ही सरल है। मिट्टी के किसी बर्तन में सरसों का तेल, उसमें अपनी छाया देखकर उसे दान कर दें। यह दान शनि के अपने ऊपर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को दूर कर उनकी कृपा देते हैं। रत्न धारण करें। वैदिक ज्योतिष में विभिन्न जड़ों की मदद से ग्रहों की शांति का विधान है। कई ज्योतिषियों का मानना है कि रत्न धारण करना नुकसान भी पहुंचा सकता है, लेकिन जड़ धारण करने से ऐसी आशंका नहीं रहती है। रत्न ग्रह की शक्ति बढ़ाने का काम करते हैं। वहीं जड़ियाँ ग्रहों की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ने का कार्य करती है। धतूरे की जड़ धारण करें। शनि देव को खुश कर उनकी कृपा पाने के लिए ग्रंथों में धतूरे की जड़ को धारण करने की सलाह दी गई है। धतूरे की जड़ का छोटा सा टुकड़ा गले या हाथ में बांधकर धारण किया जा सकता है। इस जड़ी को धारण करने से शनि की ऊर्जा आपको सकारात्मक रूप से मिलने लगेगी और जल्दी ही आपको खुद अंतर महसूस होगा। रुद्राक्ष धारण करें। जड़ियों की तरह रुद्राक्ष को भी हानि रहित उपाय की मान्यता प्राप्त है। सात मुखी रुद्राक्ष धारण करना न सिर्फ भगवान शिव को प्रसन्न करना है, बल्कि शनि देव का आशीर्वाद भी दिलाता है। प्राणों के अनुसार सात मुखी रुद्राक्ष धारण करने से घर में धन धान की कमी नहीं रहती है और लक्ष्मी मैया की कृपा हमेशा बनी रहती है। साथ ही सेहत से जुड़ी समस्याओं में भी इसे बहुत प्रभावी माना जाता है। इस रुद्राक्ष को सोमवार या शनिवार के दिन गंगा जल से धोकर धारण करने से शनि जनित कष्टों से छुटकारा मिलता है और समृद्धि प्राप्त होती है। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।